नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कलर टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महम चौबेसी के चबूतरे पर आज किसान महापंचायत, महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। हरियाणा में पेट्रोल डीजल के घटे दाम, बड़े दिनों के बाद आम आदमी को मिली राहत। हरियाणा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 895 नए केसों की हुई पुष्टि। और अब समाचार विस्तार से। तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के तहत ऐतिहासिक महम चबूतरे पर आज किसान महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। पंचायत में टिकैत सहित कई किसान नेता भी शामिल हुए। कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए पंचायतों का दौर लगातार जारी है। महापंचायत में महिलाओं की भी काफी संख्या है। इस मौके पर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सत्येंद्र फरमाना व अनाज मंडी एसोसिएशन महम के प्रधान धर्मवीर ने बताया कि पंचायत किसान का मेरे वर्ग के हितों के लिए आयोजित की गई है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि किसान तीनों कृषि कानून वापस होने तक दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे। महम की अनाज मंडी आरती एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर सोगम ने भी महापंचायत का एसोसिएशन की ओर से समर्थन किया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज बुधवार को बड़े दिनों के बाद आम आदमी को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल दोनों के दामों में कटौती की है। हरियाणा में बुधवार 24 मार्च को पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई। हरियाणा में पेट्रोल के दाम 88.61 रुपए प्रति लीटर से घटकर 88.44 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं डीजल के दाम 81.58 रुपए प्रति लीटर से घटकर 81.41 रुपए पर आ गए हैं। बता दें कि तेल कंपनियों ने 24 दिन पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रखने के बाद इसके दाम कम किए हैं। आज पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी की गई है। करनाल की सहकारी चीनी मिल के नवीनीकरण के कार्य का अवलोकन करने के लिए आज उपायुक्त चीनी मिल में पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिलाया कि यह मिल अगले सीजन में पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। कोरोना के कारण 3 से 4 महीने इसका कार्य देरी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि 42 साल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने किसानों की जरूरत को समझते हुए 270 करोड़ रुपए मंजूर करके किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। देश के साथ हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हरियाणा में वायरस फिर से डराने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में 895 नए कोरोना के सामने आए, जबकि 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 281,588 तक पहुंच गई है, जबकि 272,335 लोगों को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में 3,104 लोग महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में अब एक्टिव केस की संख्या 6,149 है। प्रदेश भर में पुलिस प्रेजेंस डे मनाया गया। इसी को लेकर निसिंग में भी पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों और कोविड-19 के लिए जारी की गई सरकारी एडवाइजरी का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान किए गए। इसके साथ ही राज्य परिवहन व समिति की बसों में बिना मास्क यात्रा करने वाले लोगों को थाना SHO ऋषि पाल के नेतृत्व में मास्क भी वितरित किए गए और लोगों को कोरोना के बारे में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के प्रति जागरूक भी किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के आदेश हैं, जो भी लोग घर से निकलें अपना मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइजर वगैरह यूज करें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और अगर कोई मास्क नहीं लगाता उनके लगातार चालान किए जा रहे हैं। और आज हमारे पुलिस महानिदेशक DGP हरियाणा की ओर से पुलिस प्रेजेंस डे मनाया जाता है, जो कि आज उसकी वजह से भी हम सभी चारों तरफ अपनी प्रेजेंस दिखाई जा रही है और चालान किए जा रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के भी। और कोरोना के संबंध में जो विदाउट फेस मास्क आते हैं उनके भी सभी के चालान किए जा रहे हैं और बड़ी सख्ती से इसका पालना की जा रही है और भविष्य में भी हम इसकी ओर भी ध्यान रखेगा। और आम जनता से भी इस बारे में अपील करेंगे, जो भी आदमी घर से निकलता है अपना मास्क लगा के निकले और प्रॉपर अपनी गाड़ी में आता है सीट बेल्ट वगैरह, बाइक पे हेलमेट वगैरह का प्रयोग करें और स्पीड का भी ध्यान रखें। सर, राज्य परिवहन की बस को आपने देखा, क्या उसमें मास्क लगाए हुए थे सभी यात्री? हाँ, तकरीबन लोगों में 2-4-5 दिन से लगातार चेकिंग की जा रही है। हर सरकारी बस को चेक करें, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आई हुई है। हर कंडक्टर ड्राइवर भी को भी हम हिदायत करते हैं कि वो जो भी सवारियाँ चढ़ती हैं उनको पहले मास्क की हिदायत करें, वे मास्क लगा के ही सफ़र करें। गाँव रसीन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य तौर पर मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष नवीन टाया ने शिरकत की और रक्तदान करने वालों का हौसला बढ़ाया। शिविर में रक्तदान करने के लिए पहुंचे लोगों ने 50 यूनिट रक्तदान किया। नवीन टाया ने बताया कि हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से जहां हम आपातकाल में किसी भी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकते हैं, वहीं इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन के कर्मचारी पिछले 15 मार्च से करनाल में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जिला यमुनानगर के कर्मचारियों ने करनाल में धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
उनके राज्य उपाध्यक्ष सतीश राणा ने कहा कि सिंचाई विभाग, पब्लिक हेल्थ और B&R विभाग के कर्मचारी संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। सरकार ने उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए 21 मार्च का समय दिया था, लेकिन उस दिन भी सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। राणा ने कहा कि आने वाले दिनों में जो हमारे कच्चे कर्मचारी उनको पक्का नहीं किया जा रहा, कई कई साल हो गए उनको कच्चे ही काम कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनको टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती है, ट्रमोपॉइंटी है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, ना समान काम समान वेतन दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 2016 में अक्टूबर में कि इनको समान काम समान वेतन दिया जाए। जो हमारे कनाल गार्ड हैं उनको 3 दर्जे का वो दर्जा नहीं दिया जा रहा, और जो हमारे जो गेज मीटर हैं रीडर हैं और ये जो मेट हैं उनको भी 3 दर्जा नहीं दिया जा रहा। हमारे जो 3 ब्रांच हैं मैकेनिकल वर्कर यूनियन में, एक तो इरीगेशन है, सिंचाई विभाग है, और पब्लिक हेल्थ है एक, और एक B&R है बिल्डिंग और रोड का, तीन इसमें बैठते हैं PWD के। काफ़ी पहले बातचीत हुई थी लेकिन उन्होंने कुछ बात माननी थी मैं लागू नहीं करी। उसके बाद हर जिले पर ये प्रदर्शन करे, धरने लगाए और मांग पत्र DC के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास भेजे कि हमारे बातचीत करे, और हमने नोटिस भी दिया था भाई बातचीत नहीं करी तो फिर हम यहाँ से जिला करनाल में आएंगे आपके पास में कुछ करेंगे, लेकिन 21 तारीख का जो टाइम दिया था उसमें भी सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे जो राज्य कमेटी कहेगी उसमें ये आंदोलन चलेगा जिले का, जितने जब भी इसमें कोई बात नहीं, कड़ा आंदोलन होगा, उसके बाद वो जो राज्य कमेटी उसका विचार करेगी। फिर हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले मार्केट कमेटी करनाल में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी DC दफ्तर के बाहर पिछले 84 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी यूनियन के नेताओं का कहना है कि 10 सालों से मार्केट कमेटी में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी को पिछले साल दिसंबर में नए ठेकेदार ने बिना कारण हटा दिया। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार ठेकेदार बदलने पर भी पुराने कर्मचारियों को हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार और मंडी बोर्ड के सेक्रेटरी अपनी मनमर्जी से काम करते हुए सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 18 मार्च को उन्होंने प्रदर्शन किया था जिसमें SDM ने उन्हें आश्वासन दिया था कि संबंधित विभाग में चंडीगढ़ बात रखेंगे, और लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने मांग किया कि इन सफाई कर्मचारियों को दोबारा से काम पर वापस ले जाए। ये जो हमारा मार्केट कमेटी में 14-15 सालों से 22 कर्मचारी काम कर रहे थे जी, और इनको जो 13 दिसंबर 2020 को जो नया ठेकेदार आया उसने इन कर्मचारियों को 22 कर्मचारी हटा के अपने 19 कर्मचारी रख लिए हैं जी। इनमें क्योंकि ये साथी 14-15 सालों से काम कर रहे थे हैं, इसने सेक्टरी ने मिलके और ठेकेदार ने मिलके इस भ्रष्टाचार के हिला के पैसे क्या पता पैसे लेके क्या पता कम वेतन पे रख के इन साथियों को ड्यूटी से बाहर कर दिया जी। और जबकि हरियाणा सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि भी ये सबका साथ और सबका विकास किस हिसाब से हो रहा है, क्योंकि आज हमारा धरना ये 84वें दिन में प्रेस कर गया है। हम ये धरना जब तक चलाएंगे जब तक ये कर्मचारी वापसी काम पे नहीं लिए जाते जी। DC साहब से भी से बात हुई है हमारी, SDM साहब से बात हुई है, लेकिन यही आश्वासन मिला कि भाई हम ऊपर बात करेंगे जी। लेकिन आज तक कोई भी, अभी भी 4-5 दिन पहले 18 तारीख को हमने यहाँ प्रदर्शन किया था और SDM साहब ने बोले थे कि भी मैं चंडीगढ़ इनका जो हेड ऑफिस है वहाँ बात करूँगा, लेकिन वहाँ से भी SDM साहब की तरफ से भी अब तक कोई फ़ोन या किसी प्रकार का भी हाँ या ना में कोई मैसेज नहीं है हमारे पास। हरियाणा सरकार का लेटर है कि इसमें कांग्रेस सरकार का भी है और जो वर्तमान की सरकार है BJP उसका भी लेटर है, अखबार के माध्यम से भी ये दिया गया है कि भी जो कर्मचारी चाहे ठेकेदार जितने मर्जी आए लेकिन कर्मचारी वो ही रहेंगे। तो हम तो इसको बिल्कुल, जो ये ठेकेदार है और ये मंडी बोर्ड का सेक्रेटरी है, ये सरकार के बिल्कुल आदेशों की अवहेलना करके अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं जी। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे राणा सरकार से कि इन कर्मचारियों को वापसी काम पे लिया जाए जी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।